अस्सलाम वालेकुम, मैं सुलेखा अरफान, सुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैंने दो रेसिपीज को कंबाइन किए। रमजान का मौका है तो डेफिनेटली हम मीठा बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मीठा बनाओ तो मजा आ जाता है रोजे के बाद एकदम खाने का। तो आज की दो रेसिपीज है अरेबियन डेजर्ट से, दोनों इंडियन नहीं है। अरेबियन डेजर्ट बहुत ही झटपट भी बन जाते हैं, मजेदार से बनते हैं। पहली वाली जो मेरी रेसिपी है वो है उम अली, और दूसरी है महलाबिया। दोनों ही मजेदार बनती है, मजा आएगा खा के, और क्विकली भी बनती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश यानी कि स्वीट डिश आज की। चलिए, यह है आंट ब्रेड जिसके मैंने कट्ठे निकाल लिए हैं। एक फ्राई पैन के अंदर अच्छा खासा घी डालिए, असली घी रहना चाहिए, और उसके अंदर ये डाल दीजिए ब्रेड को, और इसे उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक निकाल लीजिए। डार्क मत कीजिएगा ज्यादा, हाँ मजा नहीं आएगा खाने में। और लाइट गोल्डन ब्राउन होए दोनों ओर से तो निकाल लीजिए, और बैचेस में फ्राई कीजिएगा, और फास्ट आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब सारे बैचेस में फ्राई हो जाए तो साइड पर रख दीजिए इन्हें। एक पतीली के अंदर आधा लीटर फुल फैट दूध डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, और एक पूरे तरीके से उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच, और इसमें यहाँ पर मैं 60 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ, 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा है, और ये है मावा, खोया जिसे कहते हैं, तकरीबन 100 ग्राम है। आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं, मैंने तो रफली हाथों की मदद से पीस कर लिए थे। चलिए, अब इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, और बार बार चलाते हुए इसे पकाएं। तब तक पकाएं जब तक शक्कर पूरी तरीके से गल नहीं जाती, जो मावा है पूरी तरीके से खुल नहीं जाता। तकरीबन 3-4 मिनट तो लगेगी इन्हें, 3-4 मिनट में मावा भी घुल जाएगा और शक्कर भी घुल जाएगी मीडियम आंच पर। चलिए, 3-3.5 मिनट हो चुके हैं, दोनों चीजें बढ़िया सी घुल चुकी हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लोरी बना के रखी है, 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्नस्टार्च को 1/4 कप जितना दूध, एक्स्ट्रा दूध डालकर घोल बनाकर इसमें डाल दीजिए, और इसे बार बार चलाते रहे। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है, और इसमें मैं यहाँ कूटी हुई इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं, मैंने कूट कर डाला है। तकरीबन 1/8 टीस्पून से ज्यादा है और 1/4 टीस्पून से कम है। चूल्हा मैं मीडियम भी कर रही हूँ, कभी स्लो कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरी पतीली स्टील की है तो चिटकने का डर है। आपकी स्टील की ना हो तो आप मीडियम ही रखिएगा। तकरीबन 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक थिक नहीं हो जाता और कॉर्नफ्लावर पक नहीं जाता। जब सारी चीजें थिक हो जाए, कॉर्नफ्लावर पक जाए, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए, अब चाशनी बना लेते हैं। एक पतीली में 3/4 कप जितना शक्कर डालिए, वही इक्वल क्वांटिटी में पानी डाल दीजिए, तकरीबन 3/4 कप, और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, और बार बार चलाते जाएं। और बस हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि एक तार या दो तार की चाशनी होनी चाहिए, बस ये जो शक्कर है ये घुल जानी चाहिए। आप देख सकते हैं शक्कर ऑलमोस्ट घुल चुकी है, हल्की ही बची। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, थोड़े से जाफरान यानी कि सैफरन के धागे डाल देती हूँ। कलर इससे कुछ खास आ नहीं रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा केसरी कलर को पानी में मिलाकर इसमें घोल डाल देती हूँ। चूल्हा मीडियम पर है, 1/8 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। अब मैंने कूट कर डाला, आप चाहे तो पीसा हुआ भी डाल सकते हैं। चूल्हा मीडियम पर है, और तकरीबन इसे पकने दीजिए 2-3 मिनट। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए, अब हम असेंबल करते हैं। यहाँ मैं बेकिंग डिश ले रही हूँ, और दो लेयर लगा दीजिए ब्रेडों की, ये जो फ्राई करे हुए ब्रेड की है अच्छे से। अच्छा, कोई भी स्पेस छूटना नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसके लिए दूसरे वाला छोटा वाला इस्तेमाल किया है। तो अब मेरे पास ब्रेड फ्राई करी हुई बची नहीं है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि नीचे पूरी तरीके से ब्रेड लगा दीजिएगा, कोई स्पेस बचना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा खाने में। और ये जो हमने अभी गर्मा गर्म बना के रखी है चाशनी, ये सारी उंडेल दीजिए इसके अंदर, ब्रेड के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड आउट करके डालिएगा। अब इस सारे के ऊपर ये जो बुरादा आता है नारियल का, ये इस तरीके से चारों ओर फैला दीजिए ब्रेड के ऊपर। उसके बाद बादाम डाल दीजिए बारीक कटे हुए इनके ऊपर, और पिस्ते का मैंने पाउडर बनाया, आप चाहें तो बारीक कटे हुए पिस्ते डाल सकते हैं। अब ये जो व्हाइट रबड़ी कहिए या पुडिंग कहिए जो हमने बनाई है, ये सारा इसके ऊपर डाल दीजिए ब्रेड के ऊपर, और चारों ओर फैला दीजिए, एक लेवल कर दीजिए।
इसके ऊपर फिर से जो बुरादा है, नारियल का बुरादा सूखा हुआ, वो पूरा डाल दीजिए, इस तरीके से स्प्रेड आउट कर दीजिए। और फिर इसके ऊपर डाल दीजिए बादाम से, अब मैं इसे अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे ही स्प्रिंकल कर सकते हैं, बादाम और पिस्ते से इसे डेकोरेट कर लीजिए। मेरी जो डिश है बड़ी वाली वो छोटी पड़ गई, तो मुझे दूसरी में डालना पड़ा जैसे आप देख सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक ही बड़ी डिश लीजिएगा और पूरा नीचे दोनों लाइंस उसकी बिछा दीजिएगा, और बाकी का ऊपर का जो भी हमारा व्हाइट वाला ये जो पुडिंग है वो उसके ऊपर सारा डाल दीजिएगा। जब आप सारा एक साथ डालते हो तो जो दोनों का टेस्ट एक साथ आएगा बहुत ही मज़ेदार आएगा। आप चाहें तो इसे वॉर्म भी खा सकते हैं, आप चाहें तो फ्रिज में रख दें। मैंने फ्रिज में एक दो घंटे के लिए रखा था, उसके बाद मैंने सर्व किया। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी डिलिशियस लगता है ये वाला डेजर्ट, और अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। चलिए अब हम दूसरी वाली रेसिपी बनाते हैं जिसका नाम है महालाबिया। सबसे पहले तो ये है 2.5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर, और बराबर में जो रखा है वो है दूध, फुल फैट दूध है 0.5 लीटर का। हाँ, जो नॉर्मल आप सुबह में गर्म करते हो और फिर ठंडा कर लेते हो ये वही है, फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर ही रखिएगा। और वो क्या कर रही हूँ, वही 0.5 लीटर से है ना, मैं ये कॉर्न स्टार्च कॉर्न फ्लावर के अंदर थोड़ा दूध डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स करके इसका एक घोल बना लेती हूँ। तो ये घोल बन गया, इसे हम साइड पर रख देते हैं और अब चलते हैं इसको पकाने की ओर। एक पतीली के अंदर जो बचा हुआ दूध है ये सारा डाल दीजिए, मतलब 0.5 लीटर में तो थोड़ा ही यूज हुआ होगा उसमें। अब डाल दीजिए 1/4 कप भरकर शक्कर डालिएगा, चूल्हा चालू कर दीजिए और मीडियम आंच कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए, जरूरत लगे तो 1 से 2 बार इसे चला लीजिएगा बीच में। चलिए जब उबाल आ जाता है तो चूल्हे को आप कर दीजिए स्लो से मीडियम आंच के दरमियान, और आप चाहे तो स्लो पर भी रख सकते हैं, और स्लो स्लो करके है ना ये जो हमने कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर बना के रखा है कॉर्नफ्लावर का, वो डाल दीजिए स्लोली स्लोली करके और कंटिन्यूस मिक्स करते जाइए, हाँ कि कोई गुठलियाँ ना पड़ जाए, कंटिन्यूस मिक्स करते रहिए। और 0.5 मिनट के बाद कंटिन्यूस मिक्स करने के, ये साइड पर मैंने रखा है 2.5 टेबल स्पून चीज़ क्रीम, आप चाहें तो चीज़ क्रीम क्रीम चीज़ के बजाय आप वो भी डाल सकते हैं, हैवी क्रीम। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्रॉप्स रोज वाटर के डाले हैं, गुलाब का पानी, अगर आपको ज्यादा डालना है आप ज्यादा डालिए, आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं, आप 2 टीस्पून डाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एसेंस वाला था तो मैंने थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप ही डाला है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए कि कोई गुठलियां ना रहे, और ये जो हमने ये डाला है क्रीम चीज ये बहुत अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इसे स्लो से मीडियम आंच तक पकाना है। जब 1 से 2 मिनट हो जाए ये देखिए इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा क्रीमी और सारी चीजें घुल जाएंगी। तो अब मिठास चख लीजिए, अगर आपको कम लगे थोड़ी शक्कर डाल के उसे अच्छा मिक्स कर लीजिए जब तक घुल नहीं जाती शक्कर। अच्छा अब ना 2.5 मिनट तक पक जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे हल्का ठंडा हो जाने दीजिए। जब हल्का रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो प्याले में भर दीजिए, आप चाहें तो एक बड़े प्याले में ही डाल सकते हैं, मैंने छोटे छोटे बाउल्स में डाले हैं। जैसे आपने देखा 0.5 लीटर के अंदर माशाल्लाह 3 छोटी प्याली निकल आई है, और ये देखिए बहुत अच्छे से निकाल दीजिएगा कोई भी चीज बच ना जाए हमारी पतीली के अंदर। और अब आप चाहें तो ऊपर से बादाम पिस्ते डालकर डेकोरेट करें, बट मैं क्या कर रही हूँ पिस्ते का पाउडर बनाया है और इस तरीके से मैं पिस्तों से डेकोरेट कर लेती हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया था उस दिन, इसी तरीके से पिस्तों के ऊपर डेकोरेट किया गया था। तो ये बन गया हमारा अरबिक डेजर्ट महालाबिया। वैसे इसे महालाबिया कहते हैं, कुछ लोग इसे डिफरेंट वे से प्रोनाउंस करते हैं, आप किस वे से प्रोनाउंस करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब पिस्ते डाल दें 3-4 घंटे के लिए, आप इसे फ्रिज में ठंडा होने रख दें, जब ठंडा हो उसके बाद सर्व कीजिएगा। अच्छा कुछ लोग ना पिस्ते ना डालकर ऊपर एक अलग से चाशनी बनाते हैं फूड कलर डालकर, और फिर उसे डालकर ठंडा कर वैसा सर्व करते हैं, बट मैंने इस तरीके से सर्व किया क्योंकि मैंने जैसा यहाँ ऐसा ही खाया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इसके लिए मैंने ऐसा बनाया। तो चलिए बन चुकी है, कुछ समय के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और आपने देखा कितनी झटपट और आसान थी ये रेसिपी। चलिए मैं खा के देखती हूँ और आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बढ़िया सी है। चलिए मैं आपको खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है और टेस्ट वैसे ही आ रहा है, बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया। आसान
आओ तो खाके देखो तो आपको कैसा लगा? मेरे तो पानी आ गया। कैसा लगा? हाँ मजेदार है, अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा। तो ये थी दोनों रेसिपीज आज की। अगर आप बनाएं तो डेफिनेटली मुझे टैग कीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा आपके फीडबैक। मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपको पता है आपने लाइक करना है ये वाले वीडियो को, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपकी दुआओं में भी जरूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।